देश भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। स्क्रीन में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं यह शख्स कैदी हैं जो छाता लेकर खड़े हुए हैं, क्योंकि जबलपुर की सेंट्रल जेल में भी मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कैदियों ने हिस्सा लिया लेकिन मटकी नहीं फूटी। इतने में ही बारिश का दौर शुरू हुआ लेकिन कैदी नहीं रुके, छाता लगाकर इस कार्यक्रम को चालू रखा गया। मटकी फोड़ कार्यक्रम के अंत में मर्डर की आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो कैदी अशोक और पवन ने बारिश के बीच मटकी फोड़ दी। मटकी फूटते ही जेल के भीतर जश्न का माहौल बन गया। तालियों की गड़गड़ाहट से जेल में आवाज़ गूंजने लगी, लिहाजा जेलर ने कैदी को अवार्ड से सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया एवं भजन प्रस्तुति दी गई और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दो बंदियों ने मटकी फोड़ा, जिसमें एक बंदी अशोक है, दूसरा पवन। ये दोनों बंदी आजीवन कारावास की सजा में है, लगभग 10 वर्ष उन्होंने सजा काट चुका है। और इस जन्माष्टमी के अवसर पर इस जेल के 589 बंदियों द्वारा व्रत रखा गया एवं सायंकाल के समय भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शासन द्वारा बंदियों को उनकी सजा में छूट के लिए 3 दिन की माफी दी गई है, जिसमें उनकी सजा 3 दिन कम हुई है। जन्माष्टमी के मौके पर सेंट्रल जेल के 589 कैदियों ने व्रत भी रखा हुआ था। वहीं जेल प्रशासन के द्वारा सजा काट रहे कैदियों को उनकी सजा में 3 दिन की भी छूट दी गई, लिहाजा कैदियों का बारिश के बीच मटकी फोड़ने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।